हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSEU। तो जैसा कि आप सब लोगों ने कमेंट करके बोला था कि हमें थर्ड सेमेस्टर का भी चाहिए, थर्ड सेमेस्टर का भी चाहिए, तो अभी BA, BSc और BCom तीनों के थर्ड सेमेस्टर का भी डेटशीट बना दिया है। तो ये है, यहाँ पर सबसे पहले है BA थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे कि जो BA थर्ड सेमेस्टर है उसका डेटशीट क्या है या उसका स्कीम क्या है एग्ज़ाम का। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो स्टार्ट है 1 तारीख को ही, वो है संस्कृत का पेपर, यानी कि BA का पेपर संस्कृत का, जिसका जो टाइटल है वो होगा संस्कृत नाटक एवं व्याकरण। वैसे ही यहाँ पे आप सबको देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे ही कल की तरह मैं बोलूँगी, और सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आप इसको कर सकते हैं सेव। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाला जो है ये भी BA का ही है, और BA के ये दो स्लाइड्स बने हैं। फर्स्ट वाला फिनिश, फर्स्ट वाला दिखा दिया है, सेकंड वाला स्लाइड ये है। तो आप चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो जो नेक्स्ट है ये है BSc थर्ड सेमेस्टर का, ये यहाँ पे BSc थर्ड सेमेस्टर का। और जैसे कि मैं कल भी बता रही थी, क्योंकि BSc होता ही इतने सारे कोर्सेज के अंदर है, तो BSc के ना बहुत सारे वो बने हैं, BSc के बहुत सारे पेपर्स के अंदर आया या बहुत सारे स्लाइड्स के अंदर आया पूरा का पूरा स्कीम। तो ये फर्स्ट पेपर इसका ये है BSc का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये है, ये है सेकंड नंबर का स्लाइड, ये भी BSc का ही है। तो आप चाहें आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये है थर्ड, ये भी BSc का ही है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थर्ड स्लाइड है। और इसके बाद में हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है फोर्थ स्लाइड, ठीक है। तो ये टोटल 4 स्लाइड हैं BSc के, तो आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जैसे ये जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, जियोलॉजी है। तो चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट सभी का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट होते हैं। BSc के यहाँ पे फिनिश हो गए हैं, इतने ही हैं BSc के। इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये है BCom थर्ड सेमेस्टर का। तो जो भी BCom थर्ड सेमेस्टर में है वो इसका स्लाइड ले सकते हैं। आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि आपके सिर्फ 5 ही पेपर हैं, और आपके देखो फिनिश भी कितने जल्दी हो रहे हैं, 8 को स्टार्ट होंगे, 17 को ख़त्म भी हो जाएंगे, मतलब अगर देखा जाए तो 9 दिन में पेपर ख़त्म। चलिए, और हाँ, यहाँ पर मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूँगी कि सेकंड शिफ्ट में होंगे सबके एग्ज़ाम, यानी कि 1:30 बजे से और 3 बजे तक होंगे। सेकंड शिफ्ट में है एग्ज़ाम, 1:30 बजे से 3 बजे तक का होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। और सबके MCQs होंगे, ये तो आप सबको पता ही होगा, मतलब 75 क्वेश्चंस आएंगे, और इन 75 में से आपको कितने करने हैं, आपको करने हैं 50 क्वेश्चन, ठीक। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट RMPSSU के सर्कुलर में।